ये एक एंटरटेनमेंट है, एक वन टाइम के लिए अच्छा है, फाइट अच्छी है। ठीक है, फर्स्ट हाफ फिल्म का थोड़ा स्टार्टअप तो अच्छा रहता है, बट बीच बीच में थोड़ा सा फिर वीक हो जाती है स्टोरी। आई एम नॉट अ फैन ऑफ एक्शन फिल्म, इट कैन बी वन ऑफ द रीजन मुझे मूवी बहुत अच्छी नहीं लगी। सर तीन, मैं भाई 5 में से 3 देना चाहूंगा। माय व्यू इट इज 2.5 स्टार। थैंक यू सो मच। ये एक एंटरटेनमेंट है, एक वन टाइम के लिए अच्छा है, फाइट्स अच्छी है और यस एंजॉयड द मूवी। स्टोरी कितनी एंगेजिंग है? स्टोरी तो कोई कनेक्शन नहीं है, इट्स जस्ट अ फ्लो है और वैसा कोई बेस नहीं है स्टोरी का, बट एक वन टाइम के लिए फाइट अच्छा है और इट्स वर्थ। विजय का काम, देवर का, अनन्या पांडे का काम, माइक टायसन भी इसमें है एज अ स्पेशल अपीयरेंस, उसके बारे में क्या ख्याल रहेगा? देखो लोग तो एक्चुअली वो लीजेंड है, लीजेंड को देखने जाएंगे और रहा विजय का काम अच्छा है, उन्होंने फाइट भी अच्छी है, बॉडी अच्छी बनाई है और ये बॉलीवुड में थोड़ा चाहिए था ऐसे कुछ, तो उन्होंने अच्छी बॉडी बना के डन द गुड वर्क। अनन्या है एक, चलो ठीक है उसका मूवी देखा, इट्स नॉट दैट, बट ठीक है एज अ कुछ मूवी में कोस्ट आती है तो शी इज़ उतने के लिए ठीक है। 5 में से कितने स्टार देंगे? सर 3। हाँ फिल्म देखी, आई मीन ठीक ठाक ही लगी। एक्चुअली क्या फर्स्ट हाफ फिल्म का थोड़ा स्टार्टअप तो अच्छा रहता है, बट बीच बीच में थोड़ा सा फिर वीक हो जाती है स्टोरी। जहाँ से इंटरवेल, तो इंटरवेल के बाद में जब सेकंड पार्ट आता है तो थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है, उसके बाद फिर माइक टायसन की एंट्री हो जिस तरीके से वो दिखाते हैं, तो आई मीन है बट एवरेज है। मूवी की स्टोरी कितनी एंगेजिंग है, स्टोरी के बारे में क्या कहना? एक्चुअली जितना एक्साइटमेंट था फिल्म से कि इस तरीके की होगी, तो स्टोरी में एक्चुअली क्या था कि मैंने बोला ना अभी कि फर्स्ट वाला हाफ था थोड़ा वीक था, सेकेंड वाले में तो स्टोरी ज़्यादा इंगेज करके रखा नहीं, जैसे कि होता है कि अभी क्या होना। हाँ उसके फाइट सीन है जिस तरीके से उसका जुनून दिखाया है, और एक एक्चुअली एक छोटा मैसेज है कि हाँ एक अगर कोई इंसान अपना टारगेट पूरा करना चाहता हो, तो जैसे एक अनन्या का सीन था कि उसको छोड़ के चली जाती है उसके टारगेट के लिए, तो मैंने जो उसकी माँ का जो किरदार है उन्होंने जो किया है, माँ का रोल भी उन्होंने बहुत अच्छा किया, और प्लस एक उन्होंने एक टारगेट लेके चला है कि तेरा एक फोकस रहना चाहिए, और उसी फोकस से वो आगे बढ़ा और सक्सेस हुआ। पूरे स्टार कास्ट के काम के बारे में क्या ख्याल है, खासकर के विजय देवरकोंडा के बारे में क्या ख्याल रहेगा? देखो विजय ने तो अपना काम परफेक्ट किया है, क्योंकि स्टोरी जिस तरीके से उसको सबसे मेन चीज़ थी उसका एक जो हकलाना था वो बहुत वो एक अलग चीज़ थी कि उसको हकलाने वाला जो रोल किया है उसने वो एक रियलिटी दिखाई है कि मतलब जो एक तो होता है कि दिखा रहे हैं, बट उसने दिखाया कि वो हकलाता है तो उसका है। प्लस चंकी पांडे जी का काम है, वो बाद में एंट्री मारते हैं उनका भी अच्छा है। अनन्या का तो बस, और रोनित रॉय और उनकी माँ, विजय की जो माँ बनी है और रोनित रॉय, उन लोगों का काम बहुत परफेक्ट है। उन्होंने मैं भाई 5 में से 3 देना चाहूँगा। क्या बात है, थैंक यू सो मच। हाँ और हाँ म्यूजिक और हाँ सॉन्ग सब अच्छे हैं, सॉन्ग उसका जो ये लाइगर सॉन्ग था वो भी अच्छा था। आपको कौन सा पसंद है सबसे ज़्यादा? मुझे अगर मैं बताऊँ तो मुझे तीनों ही सॉन्ग पसंद है, वो लाइगर वाला जो बाट लगा देंगे और ये अपड़ी तुपड़ी वो पकड़ी तपड़ी इस तरह है स्टार्टिंग है, और ये है कोका का जो सेकंड वर्जन है। गाने तीनों अच्छे हैं, गाने तो मैं खुद भी वैसे ऑडियो में भी सुनता ही हूँ। थैंक यू सो मच। ओके, जैसे कि मैंने बाकी सब जगह भी बोला, आई एम नॉट अ फैन ऑफ एक्शन फिल्म्स, ओके आई एम रिपीटेडली आई एम सेइंग, बिकॉज ये फिल्म बनाने में बहुत मेहनत लगती है, एंड इफ यू आर सेइंग यू डोंट लाइक अ फिल्म यू शुड से योर रीजंस ऑल्सो। आई एम नॉट अ फैन ऑफ एक्शन फिल्म, इट कैन बी वन ऑफ द रीजन मुझे मूवी बहुत अच्छी नहीं लगी, बट अपार्ट फ्रॉम एक्शन ऑल्सो मुझे स्टोरी वीक लगी। आई थिंक द मेजर थिंग वॉज कनेक्टिविटी इशू, वो कनेक्ट नहीं हो पाया वो हीरो का जो भी स्ट्रगल था, सो फॉर मी इट वॉज एन ओके फिल्म। स्टोरी के बारे में क्या ख्याल रखा, स्टोरी कितनी आपको इंटरेस्टिंग लगी, फीलिंग लगी? इवन यू हैव सीन द फिल्म, इट्स नॉट अ न्यू स्टोरी, इट्स नथिंग, देयर इज नथिंग न्यू टू ऑफर, इट्स अ टिपिकल साउथ फिल्म, या जैसे साउथ फिल्म में होता है, बट आई वुड से जज ऑन इट्स ओन, बट इफ यू आस्क माई रिव्यू, स्टोरी इज नॉट समथिंग अ डिफरेंट। यस, विजय हैज डन अ गुड जॉब, अनन्या इज एक्चुअली वेरी fine with the character, but story is not something which is new and all that stuff. Abhi jaise ki aapne Vijay Devarakonda ka naam liya, to pure star cast ke bare mein, unke kaam ke bare mein kya kehna hai? I think Vijay deserved a better debut, all I would say, because unko potential hai, dikhta hai, wo dikhte acche hain, unhone mehnat ki hai film ke liye, but I don't know, story weak thi ya fir unko aisa lagta hai, ya fir maybe sorry unko nahi, makers ko aisa lagta hai ki maar dhaad action halki fulki comedy dal do film chal jata hai. I think that's need to change, even in Bollywood
गुड और इवन इन साउथ. या चलो ठीक है, लास्ट सवाल रहेगा मैडम, 5 में से कितने स्टार देंगे और ऑडियंस को कैसे अपील करेंगे? देखो मैं ऑडियंस को बोलूंगी कि आप अपने दिमाग से चलो. ओके, देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स जब यू नो रिव्यू बहुत अलग होते, बट जब आप फिल्म देखने जाओगे तो बहुत अलग लगती है. इट्स योर ओन मनी, आप डिसाइड कीजिए, बट माई व्यू इट इज 2.5 स्टार. थैंक यू सो मच मैम.